रोड शो शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करने के लिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शुभेंदु अधिकारी के साथ नजर आ रहे हैं। तो आज नंदीग्राम के रण में सुपर हिट मुकाबला है और दो बड़े नेताओं की टक्कर आज नंदीग्राम के रण में नजर आ रही है। एक है गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी सूबे की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी का रोड शो चल रहा है और अब नंदीग्राम में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होने जा रहा है। जबरदस्त भीड़, जबरदस्त हुजूम लोगों का नजर आ रहा है इस रोड शो में भी। इससे पहले ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगाए, उन्हें गद्दार बताने की कोशिश एक बार फिर की गई। वहीं शुभेंदु अधिकारी खुद को नंदीग्राम का सबसे बड़ा भूमि पुत्र साबित करने में जुटे हैं। अब किसके पक्ष में चलती है यहां पर लहर, ये देखने वाली बात होगी। नंदीग्राम से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े लीडर्स नंदीग्राम पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। बैटल ऑफ नंदीग्राम की ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी अहम, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना जबरदस्त हुजूम इस वक्त अमित शाह के रोड शो में उमड़ा हुआ है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी ममता बनर्जी के रोड शो की, जहां पर व्हीलचेयर पर बैठकर वो रोड शो करती हुई नजर आ रही थी। खासी भीड़ उनके रोड शो में भी थी। अब ये जो भीड़ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आ रही है, रैलियों में नजर आ रही है, इसमें से कितनी भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा नंदीग्राम में भी, क्योंकि द्वितीय चरण में नंदीग्राम में भी वोट डाले जाने हैं। इससे पहले जो फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई वो तकरीबन 80% वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साबित करने की कोशिश ये कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मतलब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनमत। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस दलील को नकारा जा रहा है और याद दिलाया जा रहा है कि देखिए साल 2016 में जब ममता बनर्जी दूसरी बार चुनकर सत्ता में आई थी और उन्होंने सरकार बनाई थी 212 सीटें हासिल करके, उस वक्त भी 83% वोटिंग हुई थी और जो विरोधी पक्ष थे वो ये दावा कर रहे थे कि देखिए सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लग रहा है जनमत दिया है बंगाल की जनता ने, क्योंकि 83% वोटिंग हुई है। तो इस फैक्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की दलील को खारिज करने का काम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा खुद गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और दिल्ली में अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि 30 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। ये बड़ा दावा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया था, हालांकि जाहिर है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसे खारिज किया गया। लेकिन कुल मिलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंकी है उसकी वजह से यह मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और खुद तृणमूल कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि इस बार मुख्य मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से ही है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो उसने भी अपने कैंडिडेट अलग अलग जगहों पर उतारे हैं। नंदीग्राम में भी लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं। गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुख्य मुकाबला अगर किन्हीं दो नेताओं में है तो है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के रोड शो से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, रोड शो शुरू हो चुका है और तस्वीरों में हम देख रहे हैं
जबरदस्त जोश नजर आ रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और अच्छी खासी भीड़ उमड़ी है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह है कि ये जो भीड़ है ये आज का दिन, आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार है और उसमें पूरी ताकत झोंक दी है शुभेंदु अधिकारी ने। ये आज इसकी तुलना होगी इस तस्वीर की, ममता बनर्जी की जो रोड शो में लोग आए उनसे तुलना होगी और ये तुलना बड़ी ही स्वाभाविक सी तुलना है कि कितने लोग आए। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, देखिए ये भगवा कलर दिखाई गया चेतन कुछ करके, सबने भगवा कलर पहनाया गया हुआ है, अधिकतर लोग यहाँ भगवा कलर में नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक दृश्य है और पूरी कोशिश इस बात की है कि इस पूरे चुनाव को जो एक भगवा कलर है उसको सामने रखा जाए। और अमित शाह का ये रोड शो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि आखिरी समय पर सबसे अधिक ताकत झोंकने वाला काम है, सबसे अधिक ताकत झोंकी है अमित शाह यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और टाइमिंग वो रखी गई है जब ममता बनर्जी भी कर रही है। और बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के घर से कुछ ही दूरी पर ये हो रहा है, तो अपने आप में ये बहुत मैसेज देता है बीजेपी की के कार्यकर्ताओं को। अच्छा अभिषेक, क्योंकि दूसरी तरफ नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी की सभा भी चल रही है, ममता बनर्जी ने अब से थोड़ी देर पहले ये कहा है कि वो इस वजह से नंदीग्राम से चुनाव लड़ी क्योंकि यहाँ की माताओं और बहनों के लिए वो अपनी रिस्पेक्ट दिखाना चाहती थी। टू सैल्यूट द नंदीग्राम मूवमेंट आई चोज नंदीग्राम ओवर सिंघू, उन्होंने ये कहा है अब से थोड़ी देर पहले। देखिए महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और महिला वोटरों का एक बड़ा तबका है जो ये तय कर सकता है कि चुनाव की दिशा किस तरफ होगी, इसलिए उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ की रोड शो शुरू होने से पहले हमने देखा कि बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह जो ये रथ है इसके एंट्रेंस में काफ़ी देर खड़े रहे और महिलाओं को आगे करते रहे कि महिलाएँ आगे आएँ, क्योंकि बहुत मायने रखता है। और बीजेपी ने अपने महिलाओं के लिए काफ़ी वादा किया है, उनको फ्री ट्रैवल ट्रांसपोर्ट फ्री ट्रैवल से लेकर के 33% रिजर्वेशन तक के वादा किया है। तो ये बहुत रथ आगे की ओर जा रहा है और रास्ते में आप अभी लोग यहाँ पर हैं अच्छी खासी संख्या है। और देखिए महिलाएं, मैं आपसे भी कह रहा था कि महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं बीजेपी के कलर की, चुनाव चिन्ह के कलर की चाबी के साथ में महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं और ये एक तरह का मैसेज है जो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है जी। और अभिषेक हम लगातार देख रहे हैं, अभी शुभेंदु अधिकारी इस वक्त रथ पर गृहमंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं हमें दूसरी तस्वीरों में, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर हैं और आजकल तो मैडम की जगह उन्हें ममता बानो ममता बेगम कहकर संबोधित भी करने लगे हैं, इसके पीछे क्या कोई खास वजह देखते हैं आप? देखिए बड़ा सीधा सा मामला है, वो तुष्टीकरण को उठा रहे हैं और उसके लिए उसके प्रतीक चुन रहे हैं, तुष्टीकरण का मुद्दा कैसे उठाया जाए इसीलिए वो ममता बेगम का जिक्र कर रहे हैं। ये वो हमसे आज भी हमने उनका इंटरव्यू लिया, हमने ये सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि तुष्टीकरण करती है तो मैं बोलूंगा। तो ये मैसेज है, वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देना चाहते हैं और ये उसी की पूरी कवायद है और ये कवायद इस समय और भी ज्यादा तेज हो चुकी है जब ये चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है सेकंड फेज के जी। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।